नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। दिल्ली के इंडिया गेट के पास राजपथ पर केंद्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हुनर हाट आयोजित किया गया है। 13 फरवरी से 23 फरवरी तक चलने वाले इस हुनर हाट की थीम कौशल को काम दिया गया है। इस हुनर मेले में दस्तकार, शिल्पकार और खानसामों ने हिस्सा लिया। इस हुनर हाट की खासियत यह है कि इसमें 50% महिला दस्तकार शामिल हैं। 19 फरवरी को हुनर हाट में उस वक्त गहमा गहमी बढ़ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक यहां पहुंच गए। भारी सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंचे पीएम मोदी को देख लोगों के चेहरे खिल उठे। पीएम मोदी ने वहां लगे अलग अलग स्टॉल में मौजूद उत्पादों को देखा। उनके साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी कुछ संगीत वाद्य यंत्रों पर उन्होंने हाथ भी आजमाए। प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने के साथ भारी भीड़ जमा हो गई। भारी सुरक्षा के बाद भी पीएम मोदी ने वहां पर लोगों से मुलाकात की और कई ने तो उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। पीएम मोदी ने इस दौरान अपने ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट्स भी किए। लेकिन राजपथ पर लगे इस हुनर हाट की सबसे खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर लंच किया और लंच में उन्होंने शुद्ध देसी घी से बना बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा खाया और इसके साथ ही उन्होंने कुल्हड़ की चाय भी पी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक कप गरम चाय के साथ लंच में स्वादिष्ट लिट्टी चोखा खाया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लिट्टी चोखा और 2 कप कुल्हड़ की चाय के पैसे भी दिए। वहां मौजूद लोगों की माने तो पीएम मोदी ने जो लिट्टी चोखा खाया उसके लिए उन्होंने 120 रुपए का भुगतान किया। इसके साथ ही उन्होंने 2 कप कुल्हड़ चाय भी ली, जिसमें से एक उन्होंने खुद पी और दूसरी चाय मुख्तार अब्बास नकवी को दी। मोदी ने चाय के लिए भी 40 रुपए का भुगतान किया। हुनर हाट में पीएम मोदी ने पेंटिंग बनाने वाली एक दिव्यांग कलाकार से भी मुलाकात की। हुनर हाट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टॉक पर रुककर कुछ वाद्य यंत्रों पर अपना हाथ भी आजमाया। एक और वीडियो ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, एक नक्शे में हमारी संस्कृति और विविधता की झलक, इस पर नजर डालें। पीएम मोदी के अचानक हुनर हाट पहुंचने पर हैशटैग हुनर हाट ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। गौरतलब है कि केंद्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा पिछले 3 सालों से हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। पिछले 3 सालों में हुनर हाट के माध्यम से लगभग 3 लाख दस्तकारों, शिल्पकारों और खानसामों को रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं। यहां 250 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। दिल्ली के अलावा अगर बात करें तो ये हुनर हाट पुडुचेरी, इंदौर, मुंबई, प्रयागराज, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ और हैदराबाद में आयोजित हो चुका है। दिल्ली के बाद अगला हाट हुनर का आयोजन 29 फरवरी से 8 मार्च के बीच रांची में, 13 से लेकर 22 मार्च के बीच चंडीगढ़ में किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और ताजा तरीन खबरों के लिए, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे तेज सबसे पहले देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस। बढ़िया बनाए गांधी जी बनाए, वाह। Thank you.
है क्या करती है? पेंटिंग बनाती हो? आने तो बस गिरला आपने बनाया बेस्ट पेपर का है, मटेरियल है आपने बनाया है दोनों एक ही प्रकार से काम कहाँ ट्रेनिंग हुई आपकी? मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है और मैंने सीखा नहीं है कहीं से कुछ भी। और मैंने जब शुरू किया था तो 100 रुपए से शुरू किया था सर, फुटपाथ पे से। दिल्ली हाट के बाहर मैं बैठती थी फुटपाथ पे और नफीसा के हुनर हाट के बारे में मुझे पता चला आपकी स्कीम के बारे में, तो मैंने हुनर हाट में पार्टिसिपेट किया और मुझे रेगुलर इन लोगों ने सर कितना बेचती हूँ सर, मैंने घर खरीद लिया। सर सर देखिए फिर सबसे पकड़ के फोटो निकाल देंगे मोबाइल वाले को और वेट वाला होता है नहीं घुमा दो इधर इस तरफ घूम रहे हैं मैडम, इधर को घुमा मैडम, इधर कर दीजिए इस साइड। चलिए बढ़िया बनाए गांधी जी बनाए, वाह गुजरात का छोड़ से आया हूँ, गोपनाथ के विलेज से पेंटिंग बनाती हो? आने तो बस गिरला आपने बनाया बेस्ट पेपर का है, मटेरियल है आपने बनाया दोनों एक ही प्रकार से काम कहाँ ट्रेनिंग हुई आपकी? मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है सर, और मैंने सीखा नहीं है कहीं से कुछ भी। और मैंने जब शुरू किया था तो 100 रुपए से शुरू किया था सर, फुटपाथ पे से। दिल्ली हाट के बाहर मैं बैठती थी फुटपाथ पे और नफीसा के हुनर हाट के बारे में मुझे पता चला आपकी स्कीम के बारे में, तो मैंने हुनर हाट में पार्टिसिपेट किया और मुझे रेगुलर इन लोगों ने सर कितना बेचती हूँ सर, मैंने घर खरीद लिया।